हाय एवरीवन सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट बी के लिए पोजीशंस निकली हैं काफ़ी सारी पोजीशंस हैं ओपनिंग डेट ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर है मतलब कि कल ही ओपन हुआ है ये जो एप्लीकेशन है और क्लोजिंग डेट है सेवनटीथ ऑफ नवंबर ठीक है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बताई गई हैं एक बार देख लीजिएगा इंटरेस्टेड जो भी हैं इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट सी उनको अप्लाई मतलब एडवाइस किया जाता जा है जा कि आप एन के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर जाके फॉर अपियरिंग एट द आई सी आर पी एच डी जे आर एफ एस आर एफ एग्जामिनेशन इन दी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मैं इन दी ब्रीफ एडवर्टीजमेंट ठीक है ओके okay. अब ये जो आपकी यहाँ पे साइंटिस्ट की वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है इसमें अगर हम बात करें तो लेवल टेन का आपको सैलरी मिलने वाला सेवन सी पी सी ऑफ दी पे मेट्रिक्स फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हंड्रेड से लेकर वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ प्लस अलाउंस एज पर देंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसेंशियल में इनको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दी पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टीपीलेटेड इन देयर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट दे आर एडवाइज टू सेटिसफाई देम बिफोर अपलाइंग ठीक है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो होनी ही होनी ही चाहिए प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर दी मिनिमम एंड दी मेयर पोजिशन मतलब आप अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एम एस सी अपर पर रह कर आपने आप किया हुआ है या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा एज लिमिट थर्टी फाइव ईयर्स होना चाहिए एज ऑन दी सेवनटीन ऑफ नवम्बर सिलेक्शन प्रोसेस एलिजिबल कैंडिडेट को अपियर मस्ट हैव अपियर फॉर एन टी ए आई सी ए आर पी एच डी जे आर एफ एस आर एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर एडमिशन इन पी एच डी ठीक है कोर ग्रुप आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग साइंसेस का दिया हुआ है कैंडिडेट्स शैल बी शॉट लिस्टेड बेस्ड ऑन स्कोर इन एन टी ए आई सी ए आर पी एच डी जे आर एफ एस आर एफ एग्जामिनेशन फ्रॉम अमंग दी कैंडिडेट्स मतलब कि अगर आपने जो भी यहाँ पे एग्जाम दिया है और वहाँ पे जो शॉर्ट उसके स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फ्रॉम द कैंडिडेट्स जिन्होंने की अप्लाई किया होगा इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए प्लीज़ नोट कि आई स्कोर ऑफ़ एनी अदर सब्जेक्ट या ईयर या स्कोर ऑफ दूसरे एग्जामिनेशन का कंसिडर नहीं किया जाएगा जितने भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हैव अपियर्ड इन एन टी ए आई सी आर पी एच डी जे आर एफ एस आर एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को लॉग ऑन करना है वेबसाइट पर फॉर अप्प्लाइंग ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा सिर्फ ऑनलाइन कट ऑफ मार्क्स फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस वो डिसाइड किए जाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बाद में कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू तो हैव थोरली रीड द इनफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर आईसीआर ए आई सी ई इस पर्टिकुलर बुलेटिन को आप थॉरली पढ़ लीजिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है कितने पोस्ट हैं आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन हैं जनरल में थर्टी ई डब्लू एस सिक्स फिफ्टीन फाइव टेन तो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं ठीक है इसके बाद रिजर्वेशन बता दिया गया आपको नॉम्स और ऑबियसली मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होंगे कैसे अप्लाई करना है मेंशन कर दिया है लास्ट डेट बता दिया है आपको ठीक है इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले ओके देन ये सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहाँ पर मैंशन कर दिए गए हैं तो अमेजिंग uh, अपॉर्चुनिटी है ये एग्जाम आपने दिया है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस पोजिशन को आप में आप इसमें अप्लाई कीजिए uh, बहुत uh, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत कम देखने मिलती हैं ना तो मेक श्योर sure कि आप इसमें अप्लाई करेंगे टोटल सिक्सटी सिक्स यहाँ पे पोजिशंस या वैकेंसी निकली हुई है ठीक है तो मेक शोर इसमें अप्लाई कर दीजिए टेक केयर एवरी वन द नेक्स्ट वीडियो मेक श्योर आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने लाइक like कर लिया है वीडियोज़ को और थम जो भी जो बेलाइकन है उसको प्रेस कर दिया जिससे कि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे टेक केयर एवरी वन इन द नेक्स्ट वीडियो का एक बाय